गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एसेंचर से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, साथ साथ आपको TCS के से रिलेटेड अपडेट बताने वाला हूँ और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि एसेंचर में कैसे लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोकेशन को चेंज करना, किसी को कहीं और लोकेशन मिला और चाहता हो कहीं और जाना, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना, मैं पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आपको बहुत सारे क्लूज ऐसे होंगे जो कि स्किप हो सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप सबको पता है कि इस टाइम एसेंचर ने बहुत बड़ी मतलब अपनी हायरिंग चला रही है, जिसमें कि 2023 बैच के बच्चे हायरिंग में बैठ रहे हैं और भी सारे बच्चे भी हायरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस दौरान एसेंचर ने अपने कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला हुआ आज उन्होंने निकाला, जिसमें कि स्क्रीनिंग सिलेक्शन का जो मेल था वो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिसीव हुआ है और उसमें उनको बताया गया है कि आपको आगे जो भी आ रहे हैं अपडेट आएंगे उसके लिए आपको जो भी मेल आते रहे उसको हमेशा चेक करते रहना, क्योंकि उनका स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट था वो आ चुका है और इसके बाद से ना वो आगे का जो भी स्टेप होगा वो धीरे धीरे मेल के थ्रू आपको बताना स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज आप लोग मेल को ज़्यादातर जब भी टाइम मिले एक बार चेक कर लिया करो। और इसके अलावा गाइज अगर आप चाहते हो, अगर एसेंचर में आपका लोकेशन कहीं और, अगर बैंगलोर लोकेशन है चाहते हो कहीं और चेंज करना, तो आपको एक मेल आया होगा जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि 17 अक्टूबर को आपका जो भी उनका ज्वाइनिंग है वो होने वाली है। तो गाइज आपको जब मेल आया होगा वहाँ पे एक रिप्लाई ऑल का भी ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप रिप्लाई ऑल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो पूरा जेन्युइन रीजन के साथ आप उनको रिप्लाई ऑल करके उसमें दीजिए। अगर उनको बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर सुटेबल लगता है तो आपका लोकेशन चेंज कर देंगे, अदरवाइज वो आपका लोकेशन नहीं चेंज करेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि परेशान थे और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि मेल कर रहे हैं, DM कर रहे हैं कि सर मेरा लोकेशन कैसे चेंज होगा। तो गाइस उनके लिए यही है जो कि आप रिप्लाई करें उनको और जो भी जेन्युइन रीजन है वो उनको बताएं, जिससे कि उनको पता चल सके आपका क्या रीजन। अगर वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सुटेबल लगेगा तो आपका चेंज कर सकते हैं लोकेशन, अदरवाइज जो आपको लोकेशन मिला रहेगा उसी पे आपको जाके वहाँ ज्वाइनिंग करना है और आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है। तो गाइस इस तरीके से आपको बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको करने होंगे। इसके अलावा इस बैच के कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू हुआ था 2 जुलाई को, उसके बाद उनका टास्क मेल आया था 17 जुलाई को, टास्क मेल उनको रिसीव हुआ था, फिर टास्क मेल जो अप्रूव हुआ था जो कि उनको मैसेज आया था व्हाट्सएप पे वो 13 सितंबर को आया था, उनका जो रोल था वो पाटा था। तो गाइज उनका जो ऑफर लेटर था वो 16 सितंबर को रिसीव्ड हुआ था मेल के थ्रू, उसके बाद से ना उनका DOJ 22 सितंबर को हो गया, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी 22 सितंबर को आज के दिन हो चुकी है। तो गाइज अगर आप भी पाटा रोल के लिए अगर आपने भी अप्लाई किया था और आपने जो मैंने डेट वगैरह बताया इसके थ्रू आपका भी हुआ होगा इस डेट को, तो गाइज आपका भी आज ज्वाइनिंग लेटर आ चुका होगा। अगर आपका नहीं आया हुआ है तो कुछ वेट कर लें, सम टाइम के बाद आपको भी वो मिल जाएगा, जो भी मेल होंगे वो सब रिसीव हो जाएंगे, धीरे धीरे सबको हो रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसके अलावा गाइज TCS का भी जो लोग 2023 बैच के हैं जो कि पार्टिसिपेट किए थे अपने हायरिंग में, उनके लिए भी एक मेल आ चुकी है इन पर्सन डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जो कि आपको इन पर्सन डॉक्यूमेंटेशन कराना है और इसका जो इंटरव्यू वो होने वाला है वो अब 25 सितंबर को आपको इंटरव्यू देना है। तो गाइज आप लोग अपना मेल चेक करें, अगर आपने भी फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको भी इन पर्सन डॉक्यूमेंटेशन का एक मेल आया होगा TCS के जो भी उनकी टीम है, रिक्रूटमेंट टीम है, उनके के थ्रू आपको मेल रिसीव हुए होंगे। तो गाइज आप लोग चेक करो, वहाँ से आपको हर चीज़ देखने को वहाँ मिल जाएगा। और 25 सितंबर का इंटरव्यू है तो उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लो, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं है तो आपका चांसेस है कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है TCS में। तो गाइज इस तरीके से बहुत सारे अपडेट अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मतलब ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेल करें या कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और अगर चाहते हो तो मेल भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और या तो आप DM करके आप पूछ सकते हो। और आप लोग अगर किसी के पास कोई भी अपडेट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ताकि और भी जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट पढ़ते हैं, जिसके थ्रू उनके भी वो पढ़ें तो उनको भी पता चल सके, कुछ आइडिया उनको मिल सके कि कैसे कैसे क्या करना है। तो गाइज यही सब अपडेट थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर आप एसेंचर्स के लिए आप वीडियो देख रहे हो
या इसके थ्रू और भी कुछ वीडियो आप चाहते हो कि मैं इस कुछ टॉपिक हो जिसमें मैं वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि अगर आप बताओगे तो उस पर वीडियो आ सकता है और भी सारे। तो चलिए गाइस, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।